बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है। जब धूप तेज़ हो जाता है तो अच्छे भले गोरी स्किन भी एकदम डल पड़ जाती है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा पैक जिससे गर्मियों में आप अपने चेहरे में निखार ला सकते हैं, गोरी स्किन आपको एकदम सफ़ेद मिलेगी अगर आप इस पैक को रेगुलर यूज़ करेंगे तो। बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर पैक में यूज़ किया है नारियल का पानी जो बहुत ही यूज़फुल है, चेहरे को हाइड्रेट करता है, स्किन को बहुत ही अच्छा निखार लाता है। आपको पता ही होगा नारियल पानी तो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, खासकर प्रेग्नेंट लेडी जो उन्हें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा गोरा होगा, तो नारियल पानी के बहुत ही फ़ायदे हैं और इसी को मैंने पैक में यूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि इस पैक को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे है नारियल जो अक्सर हम अपने घर पे मंगाते हैं किसी न किसी वजह से, या तो खाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, पूजा पाठ में। तो आप इसके जो इसके अंदर जो पानी होता है ना, इसी को यूज़ करना है अपने फेस पैक में, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही आप अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसी नारियल के पानी को आज हम यूज़ करेंगे फेस पैक बनाने में, जो काफ़ी ज़्यादा आपको ग्लोइंग स्किन देगा, एकदम ब्राइटनेस आ जाएगा फेस पे, तो ज़रूर ट्राई करिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें एक खीरा चाहिए, ये देखिए यहाँ पे खीरा है, और इसे हमें करना है कद्दूकस। देखिए यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है और बड़ी आसानी से इसका हम जूस निकाल लेंगे इस तरह से, तो मिले कि आपको दबाना है और ये आप देख सकते हैं। इस बचे हुए पार्ट को भी आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रायता बना लीजिए दही में मिला के, या फिर अपने स्किन के लिए भी आप इसे किसी भी रुमाल या किचन टॉवल पर रख के आप चेहरे पे लगा लीजिए, आँखों में पैच बना के आँखों के ऊपर रख लीजिए, काफ़ी तरह से ये बेनिफिशियल है। तो आप इसे जैसे चाहे यूज़ कर लें, और आप इसके आइस क्यूब भी बना सकते हैं फ्रीज़र में रख के। चलिए अब पैक बनाना शुरू करते हैं। तो ये 2 चम्मच खीरे का रस है, इसमें हमें डालना है 1.5 से 2 चम्मच चंदन का पाउडर। कोशिश करिएगा चंदन पाउडर आप जो ऐसा स्टोर हो जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलते हो, पूजा का सामान मिलता हो, तो ऐसे जगह से आप अगर ये चंदन पाउडर लेंगे ना तो ये थोड़ा प्योर मिलता है, शुद्ध मिलता है, या फिर आप जो भी आपके हिसाब से सही लगे वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चंदन पाउडर आपको लेना है जो कि बहुत ही ठंडा रखता है स्किन को, और इसके अलग अपना एक फ़ायदेमंद बहुत सारे गुण हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नारियल का पानी, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ना कि नारियल का पानी हमें यूज़ करना है इस पैक के अंदर, जिसका असर आपको यूज़ करने के बाद समझ में आएगा। नारियल पानी बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, और साथ ही साथ जो इसकी रंगत होती है ना उसे भी निखारने में नारियल पानी का बहुत ही अच्छा रोल होता है। नारियल पानी डालने के बाद मैंने लिया है यहाँ पे बादाम रोगन तेल, जो अक्सर हम सबके घरों में मिली जाती है। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 बूंद बादाम का तेल लेना है और इसे इसमें डाल लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल लिया है। ये बादाम का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आपके नाखून में कोई प्रॉब्लम हो, या क्रैक पड़ जाते हो, या नाखून बहुत जल्दी टूट जाता हो, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो, और कोई भी काम करने में निकल जाता हो। तो आप रात में अक्सर ऐसा कर सकते हैं कि 1 से 2 ड्रॉप आप बादाम का तेल लीजिए और इस तरह से अपने नाखूनों पर मसाज कर लीजिए, फिर आप देखिएगा इसका कमाल, आपके नाखून बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और क्रैक्स जो आते हैं ना वो भी बंद हो जाएगा, काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा, बहुत स्पीड में बढ़ेगा। तो अगर आपको कोई नेल्स के प्रॉब्लम हो तो बादाम का तेल रात में मसाज करके आप छोड़ दीजिए, तो इससे आपको तुरंत रिजल्ट समझ में आएगा। 10 दिन करने के बाद ही आपके नाखून काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा पैक जिसमें हमने तेल डाल दिया है। तो ये देखिए खीरे का रस, चंदन का पाउडर, नारियल का पानी, और साथ में बादाम रोगन 2 से 3 ड्रॉप, इन सब को आप अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया से आपको इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो अंदर से गांठें बनी हो वह अच्छे से घुल जाए। फिर इसे हम रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखने के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये पैक ठंडा लगाना है। मैंने यहाँ फ्रिज से इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये ठंडा ठंडा पैक रेडी है यूज़ करने के लिए। तो इसे बस आप डायरेक्ट अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए, चिल्ड चिल्ड ये फेस पैक
गजब का निखार लाएगा गर्मियों में आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे। तो कुछ नहीं करना है, फटाफट से ये अप्लाई करना है। मैंने अच्छे से कवर कर लिया है पूरे फेस को इस पैक से। बस आप इसे आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। कोई इस मतलब बचाना नहीं है कि आंख के नीचे ये ना लग जाए, तो इस तरह से आप इसे आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं। बस एक काम करिएगा, आप मेरी तरह बड़बड़ मत करिएगा, इसे लगा के आप एकदम आराम से बैठ के मोबाइल करिए, रील्स देखिए, मगर अपने चेहरे को हिलाइएगा नहीं। सूखने तक आपको चुपचाप रहना है, बोलना नहीं है, बोलने से आपको रिंकल्स पड़ सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखें, पैक लगा के चुपचाप आपको, जब तक कि ये सूख न जाए, आपको बोलना नहीं है। फिर आप इसे सूखने के बाद धो लीजिए और इसके असर देखिए। आपको डेली ये पैक लगाना है। अगर आप बिजी हैं तो एक दिन दो दिन बीच मतलब छोड़ सकते हैं, मगर आप कोशिश करिएगा कि ये पैक डेली यूज़ करिएगा, फिर आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा सामने आएगा। और ट्राई करिएगा इस पैक को, पसंद आए मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी पैक लगा के आप मेरी तरह जैसे मैं अभी बड़बड़ कर रही हूँ बोलिएगा नहीं, बिल्कुल शांति से चुप मार के मोबाइल लेके बैठ जाइए। टाइम पास हो जाएगा, 10 मिनट बीत जाएगा, पैक सूख जाएगा, फिर उसे ठंडे पानी से धोना है। तो ठंडे तो ये देखिए हल्का हल्का सूखना शुरू हो गया है। बस इसी तरह से जब चारों तरफ पूरा फेस सूख जाए पैक बहुत ही अच्छे से, फिर आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिएगा।